नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो हमारी टॉपिक होगी वो साहित्य में कला है। एक TGT आर्ट में या किसी भी आर्ट के एग्जाम में एक सिलेबस के थ्रू साहित्य में कला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर बार आता रहता है इस पोर्शन से, तो इस पर एकदम बिल्कुल नज़र रखे रहिएगा। साहित्य में कला का मतलब ये होगा कि कुछ ऐसे साहित्य मिले हैं जिस साहित्य में हमारी जो कला है, चाहे वो चित्र कला हो, मूर्त कला हो, वास्तु कला है, इसकी चर्चा हमें मिलती है। जैसे आप देखेंगे बौद्ध धर्म में जो विनय पिटक है, विनय पिटक में शाही इमारतों में जो चित्र बने हैं उसकी बड़ी अच्छी जानकारी मिलती है और ये प्रश्न भी आता रहता है, तो ये ध्यान रखें। जैसे हमारे विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, जैसे काम सूत्र है, ये सब साहित्य है और इन साहित्य में हमें कलाओं की जानकारी मिलती है, तो ये पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसको लेकर जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे उसको देकर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है, देखिएगा, ये TGT 2021 का प्रश्न है, ये TGT 2021 का प्रश्न है और इस प्रश्नों को समझिएगा। देखिए, बहुत लड़के क्या कहें कि अब लड़के क्या हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग, मतलब एग्ज़ाम में बड़ी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और उसका बड़ा भारी क्या कहते हैं हर्जाना भुगतना पड़ता है, तो ना लाइफ एक्सपायर हो जाती है। तो देखिए, इसमें समझिए, समझने का क्रम क्या है, ज़रा इसको देखिएगा, लिखिएगा कि उस प्राचीन ग्रंथ, एक पॉइंट देखिएगा, प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के छः अंग, ठीक ना, एक पॉइंट ये, भारतीय कला के छः अंग। अब भारतीय कला के छः अंग को एक और भाषा के नाम से जानते हैं, छः अंग, षड, षड माने छः हो गया और अंग, षडंग, ठीक ना, इसी को कह देते हैं षडंग, षड अंग, छः अंग, इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इससे बड़े क्वेश्चन बनेंगे और इससे कंफ्यूजन दूर होंगे ना। हम लोग अमूमन ऐसे पढ़ लेते हैं और एग्जाम में उसी बारीक पॉइंट से प्रश्न उठा देता है, ये लगेगा षडंग क्या मतलब है, अभी इसका जब हम लोग प्रश्न करेंगे तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होगी अभी देखेंगे। तो प्रश्न था कि उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के छः अंग यानी षडंग का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जब गौर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कामसूत्र भी दिया हुआ है और जयमंगला भी दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो भारतीय कला के छः अंगों का उल्लेख कह रहा है, तो कामसूत्र की ही तो टीका थी जयमंगला। जयमंगला क्या थी, एक टीका थी, एक जो टीका किया गया था उसका नाम रखा गया था जयमंगला। और इस जयमंगला की टीका कौन, किस किस पुस्तक की गई थी, तो कामसूत्र की गई थी। इसके रचयिता हैं वात्स्यायन और इसके रचयिता हैं यशोधर, पंडित यशोधर। अब कह रहा प्राचीन ग्रंथ, अब बताइए दोनों में प्राचीन कौन है, दोनों में प्राचीन तो कामसूत्र है क्योंकि कामसूत्र पहले थी, इसको पढ़े पंडित यशोधर, फिर इसके ऊपर इन्होंने टीका की, व्याख्या की, तो ये तो बाद में आया ना। और जब इसको पढ़े तो यहाँ पर भी तो चित्रकला के अंगों की चर्चा की गई है कामसूत्र में, और जयमंगला में भी चित्रकला के अंगों की चर्चा की गई है। अब प्रश्न पूछ रहा है प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के छः अंगों का उल्लेख किया गया है, तो गहराई से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आएगा, लेकिन ज़रूरी है पढ़ना। एक अगर वैसे एक नज़र पढ़ के अगर चले गए और जयमंगला लगा दिए तो भी सही है, लेकिन अगर समझे रहेंगे, समझ के करेंगे तो थोड़ा बहुत बुद्धि को लगेगा, अगर ना समझे होते तो ठीक था, क्योंकि समझने में बुद्धि ज़्यादा उलझती है, तो उलझन नहीं है ये, उलझन को सुलझा देना है। अगर ऐसे प्रश्न की हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको अभी हम समझेंगे, उससे पहले हम इसको जान लेते हैं, और इसको जानने के बाद में ये पूरा डिटेल है अब आपको यहाँ, इससे अगर साहित्य में कला से संबंधित जो प्रश्न बनेगा, खासकर कामसूत्र से और जयमंगला से, वो इससे बाहर कतई नहीं आएगा, आप एकदम नो डाउट इसको एकदम रट डालिए, और रटना नहीं है अभी, समझ लीजिए तो सब आपको आ जाएगा। देखिए, कामसूत्र की रचना तो वात्स्यायन ने की है, कामसूत्र की रचना
वात्स्यायन ने की है, पहला क्वेश्चन यही बनता है। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत, दूसरा क्वेश्चन बनता है। अब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कामसूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन। रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन ने 1883 में इसका अनुवाद किया और 1883 में इसका प्रकाशन भी किया, ठीक ना। तो ये याद रखे रहिएगा। और कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है? कुल 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। अब ये याद करने वाला है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सारी जो है चीज़ों को याद कर लेना। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब पूछेगा और पूछा जाता है कामसूत्र में कुल कितने अधिकरण हैं? तो 7 अधिकरण हैं कामसूत्र में। कुल कितने अध्याय हैं? तो टोटल 36 अध्याय हैं। कुल कितने प्रकरण हैं? तो 64 प्रकरण हैं। कुल कितने श्लोक हैं? तो 1250 यानी 1250 ठीक 1250 श्लोक है। ये एकदम बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा। ये हुआ कामसूत्र के बारे में, इतना डिटेल नॉलेज है। लेकिन इन 64 कलाओं का वर्णन कामसूत्र में है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम 64 कलाओं का वर्णन, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, सर्वप्रथम 64 कलाओं का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो जान लीजिएगा, सर्वप्रथम की अगर बात आ जाए तो सर्वप्रथम जो 64 कलाओं की बात की गई है वो यजुर्वेद में, ऋग्वेद में नहीं, यजुर्वेद में, यजुर्वेद, यजुर्वेद में 64 कलाओं की बात की गई है सर्वप्रथम, ठीक ना, ऋग्वेद में नहीं। अगर कला की बात आए कि सर्वप्रथम कहाँ की गई है तो सर्वप्रथम वेद में की गई है, और सर्वप्रथम 64 कलाओं की चर्चा तो यजुर्वेद में की गई है, और कामसूत्र में भी 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन जब सर्वप्रथम लग जाएगा तो यजुर्वेद पे आप टिक लगाइएगा। तो इतनी नॉलेज होगी। अब ये कामसूत्र, तो इतना ये कामसूत्र का इतिहास हुआ। अब कामसूत्र से संबंधित प्रश्न यहाँ से बनेंगे। अब चलते हैं कामसूत्र की टीका पर, कामसूत्र की टीका पर। तो देखिए ये तीर एरो बना दिया हूँ, इसको समझते हुए चलिएगा। तो इन जो 64 कलाओं का वर्णन कामसूत्र में किया गया है, अब देखिए कलाओं का वर्णन कामसूत्र में भी किया गया था, और पूछा क्या गया है, प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंग। यहाँ पर जो 6 अंग लग रहा है, जो षडंग लग रहा है, षडंग, षड माने 6 अंग, 6 अंग, इस षडंग को दिमाग में भर लीजिएगा। इसी षडंग से ही आपके क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर होगा। अभी कैसे देखते हैं, तो 64 कलाओं का वर्णन जो कामसूत्र में किया गया है, उन 64 कलाओं के वर्णन में पहला तो याद रखिएगा कि पहली कला क्या है। 64 कलाओं जो कामसूत्र की 64 कला है, उन 64 कलाओं में पहली कला कौन सी है? तो पहली कला संगीत, संगीत की है। पहली कला किसकी है? संगीत की है, या गीतम आ सकता है, गीतम दिया रहे तो भी, और संगीत दिया रहे तो भी, दोनों में से कोई एक विकल्प में दिया रहेगा। तो सबसे पहली कला जो है संगीत, संगीत की कला हुई। अच्छा, अब एक प्रश्न ये आ गया, देखिए बहुत कहाँ से प्रश्न निकाल लेगा। कामसूत्र में जो 64 कलाओं का वर्णन किया गया है तो उसमें सबसे उच्च कला किसकी दर्ज, उच्च कला किसको दिया है कामसूत्र, वात्स्यायन ने किसको सबसे ऊंची कला माना है? तो सबसे ऊंची कला किसको माना है? संगीत कला। ये पॉइंट नोट करिएगा, पहले नंबर पर इन्होंने संगीत को रखा है, यानी कि कामसूत्र में सबसे उच्च स्तर पर जो कला है पहले नंबर पर है वो कौन है? संगीत पर है। अच्छा याद रखिए, यहाँ लिखा नहीं है, जो इसकी आखिरी कला है, जो आखिरी यानी 64वें नंबर पर है, वो 64वें नंबर पर आपका क्या है? व्यायाम कला है। क्या है? व्यायाम कला। अब ये याद रखे रहिएगा कि अगर कामसूत्र में सबसे पहले नंबर पर किस कौन सी कला है, तो संगीत कला है, ठीक, या गीतम है। सबसे आखिरी नंबर पर यानी 64वें नंबर पर कौन है? तो व्यायाम कला है। कौन सी कला है? व्यायाम कला है। ये ध्यान में रखे रहिएगा। यह आ सकता है कामसूत्र में सबसे उच्च स्तर की, सबसे उच्च स्तर की कौन सी कला मानी गई है? तो सबसे उच्च स्तर को संगीत माना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर चित्रकला को नहीं माना गया है। चित्रकला को किस नंबर पर रखा है? काम वात्स्यायन में।
कामसूत्र में वात्स्यायन मुनि ने जब लिख रहे थे 64 कलाओं को, तो पहले नंबर पर उन्होंने संगीत को रखा और चौथे नंबर पर क्या रखा, चित्रकला को, जिसको नाम उन्होंने कामसूत्र में दिया आलेख। चित्रकला नहीं दिया, कामसूत्र में जो चित्रकला के ऊपर जो इन्होंने वर्णन किया उस चित्रकला को आलेख कहा गया, आलेख्यम। प्रश्न आता है कि कामसूत्र में चित्रकला को क्या कहा गया है, तो चित्रकला को क्या कहा गया है, आलेख्यम कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आलेख्यम, ये जो आलेख्यम कला है, ये जो हम पढ़े हैं कि 7 अधिकरण 36 अध्याय 64 प्रकरण और 1250 श्लोक है, तो प्रश्न बनता है कि ये चौथे नंबर की जो कला है आलेख्यम है, जो कामसूत्र में चौथे नंबर पर, वो कहाँ पर है, तो वो याद रखिएगा प्रथम अधिकरण। कुल 7 अधिकरण है, तो उन 7 अधिकरणों में जो पहला अधिकरण है, उस पहला अधिकरण यानी पहला भाग, जब पहला भाग खोलेंगे तो पहले भाग के तीसरे अध्याय में जाएंगे, तो उस तीसरे अध्याय में ये 64 कलाएं आपको मिलेगी। उसी 64 कलाओं में जो चौथे नंबर की कला है वो क्या है, आलेख्यम है, जिसे चित्रकला जो है जयमंगला ने जिसे नाम क्या दिया, चित्रकला का नाम दिया, किसको, आलेख्यम को, ठीक ना। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, इतना क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। अब देखिए इनके टीका पर चलेंगे, तो इन जो चौथे नंबर पे जो आलेख कला थी, आलेख्यम जो थी, इस पर इन्होंने टीका लिखा है, किसने, जयमंगला ने, सॉरी जयमंगला नामक जो टीका का नाम क्या था, जयमंगला। तो जो आलेख्यम है वो, उस पर जो टीका लिखा पंडित यशोधर ने, किस नाम से लिखा है, जयमंगला के नाम से। एक तो ये प्रश्न बना, ठीक ना। और जो पंडित यशोधर हैं ये 11वीं 12वीं शताब्दी के हैं, ये किसके दरबार में रहते थे, ये ध्यान रखे रहना। तो जय सिंह प्रथम, नोट करना, जय सिंह प्रथम, क्योंकि आपको याद होगा जब राजस्थान की जयपुर शैली में आप चलेंगे तो जयपुर शैली कछवाहा राजवंश, यहाँ पर कछवाहा राजवंश थी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखे रहिएगा कि जो जयपुर शैली, जयपुर है राजस्थान की, तो ये कछवाहा राजवंश है, और यहाँ पर जय सिंह प्रथम है, इनको एक नाम जाना जाता है मिर्जा राजा जय सिंह, ध्यान दीजिएगा, मिर्जा राजा जय सिंह, उन्हीं को कहा गया है जय सिंह प्रथम। और जो जय सिंह द्वितीय है उन्हें सवाई जय सिंह कहा जाता है, उन्हें सवाई जय सिंह कहा जाता है, इनको मिर्जा राजा जय सिंह कहा जाता है, मिर्जा राजा, इनको उपाधि दी गई थी मुगलों द्वारा मिर्जा राजा। और जो जय सिंह द्वितीय हैं उनको भी सवाई जय सिंह, उनको भी सवाई उपाधि दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह इसलिए याद करना है क्योंकि विकल्प में जब बनाएगा, जैसे बना दिया कि जंतर मंतर वेदशाला का निर्माण किसने किया, अब वहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह भी दे देगा और सवाई जय सिंह द्वितीय भी दे देगा, तब वहाँ पर पकड़ना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए याद रखे रहना कि ये जो पंडित यशोधर हैं ये जय सिंह प्रथम के दरबार में है, और इन्हीं जयसिंह को मिर्जा राजा जयसिंह कहा जाता है। और इन्हीं जयसिंह के दरबार में एक बेहद बेहतरीन कवि थे जिन्हें कविवर बिहारी कहा जाता है, जिनकी सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ क्या थी, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, ये इन्हीं जयसिंह के दरबार में थे, प्रथम के दरबार में। तो जयसिंह प्रथम के दरबार में पंडित यशोधर, जयसिंह प्रथम के दरबार में कविवर बिहारी, जिनकी रचना थी बिहारी सतसई। और याद रखना कि जयपुर शैली का सर्वप्रिय जो विषय रहा है, प्रश्न आता है कि जयपुर शैली में जो सर्वाधिक चित्रण यानी सबसे प्रिय जो विषय रहा है वो कौन सा रहा, वो बिहारी सतसई ही रहा है, जो कविवर बिहारी की थी, जो किनके दरबार में थे, जयसिंह प्रथम के दरबार में। और इन्हीं जयसिंह प्रथम के दरबार में कौन है, पंडित यशोधर, और इन्हीं जयसिंह को मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर दिमाग में थोड़ा सा ये आ जाएगा कि जो जयसिंह द्वितीय है ना, वो जयसिंह द्वितीय ने जयपुर नगर की स्थापना की थी 1727 ईस्वी में, 1727 ईस्वी में जयसिंह द्वितीय यानी सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी, और उन्होंने ही 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया था, कहाँ कहाँ पर, दिल्ली,
जयपुर में करवाया था, दिल्ली में भी करवाया था, उज्जैन में भी करवाया था, मथुरा में भी करवाया था और बनारस में भी करवाया था। तो ये आपको याद रखे रहिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हमने ये डिटेल दे दिया क्योंकि इससे भटके ना। जय सिंह प्रथम और जय सिंह द्वितीय दोनों एकदम रट डालिए, यही क्वेश्चन बना देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि विकल्प में दोनों देगा, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम है और सवाई जय सिंह कौन है, जय सिंह द्वितीय है। अब इन्हीं पंडित यशोधर ने, जो पंडित यशोधर ने क्या किया है कि इन्हीं आलेख जो चौथे नंबर की जो आलेख्यम है चित्रकला है उस पर विवेचना की है, विस्तृत व्याख्या की है और उन्होंने छः अंग की व्याख्या की है चित्रकला के, छः अंग को, इसी को लेकर चित्रकला के छः अंगों को जो आ गया या षडंग, षडंग आ गया ना, तो षड माने छः और छः अंग, तो छः अंग की व्याख्या जो आपकी जयमंगला में की जा रही है किसको, कि कौन करेंगे, पंडित यशोधर करेंगे और बृहद रूप से करेंगे। तो ज़्यादा मान्यता जब षडंग की बात आएगी कि भारतीय चित्रकला के छः अंग या षडंग की व्याख्या किसने की, तो उसमें भले ही कामसूत्र रहे या जय मंगला रहे या नाम दे दे वात्सायन रहे या जो है पंडित यशोधर रहेंगे, तो हम प्राथमिकता पंडित यशोधर को देंगे या उनकी लिखी टीका को देंगे जय मंगला। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, जय मंगला हो जाएगा, जय मंगला हो जाएगा, ठीक ना। अभी हम और साल, अभी साल करेंगे तब तक अभी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका क्रम भी जानना जरूरी है, जो चित्रकला की छः अंग हैं जो पंडित यशोधर ने, जो राजा जय सिंह प्रथम के दरबार में रहते हैं, उन्होंने जो कामसूत्र के जो चौथे नंबर की जो आलेख्यम है, जो चित्रकला है, उसके अंगों की व्याख्या की, जिसे हम चित्रकला के छः अंग यानी षडंग के नाम से जानते हैं। अब इनका क्रम याद रखिएगा, जो ये श्लोक के रूप में है कि रूप भेदा प्रमाणान भाव लावन योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्र षडंगकम। तो इनके पहले नंबर पे रूप भेद, दूसरे पे प्रमाण, तीसरे पे भाव, चौथे पे लावन, पांचवें पे सादृश्य और छठवें पर वर्णिका भंग, ये क्रम आता है। इससे जो प्रश्न पूछेगा तो ये पूछेगा, क्रम से भी पूछता है कि किस नंबर पर कौन है, प्रमाण किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पे, भाव किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे, लामन किस नंबर पे, चौथे नंबर पर, तो ये रखेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि कभी कभी पूछता है पुनर्व्याख्या, कामसूत्र की टीका किसने लिखी, जयमंगला ने, कामसूत्र की, कामसूत्र पर टीका जो लिखी गई वो किस नाम से, जयमंगला के नाम से, किसने लिखी, पंडित यशोधर ने, यानी कामसूत्र की चित्रकला की व्याख्या किसने की, पंडित यशोधर ने। अब ये जो जयमंगला है चित्रकला के जो छः भाग हैं, जो छः अंग हैं, उसकी व्याख्या यानी व्याख्या तो की यशोधर ने, फिर इस व्याख्या की व्याख्या यानी पुनर्व्याख्या, व्याख्या की व्याख्या मतलब पुनर्व्याख्या। तो ऐसे जब सवाल बने कि भारतीय शिल्प षडंग या भारतीय षडंग की पुनर्व्याख्या किसने की, तो उसको याद रखे रहिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। प्रश्न सीधा बोल देगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की, ये है अवनींद्र, कब की, तो याद रखिएगा 1921 में, ये प्रश्न भी आता है तो ये विकल्प याद रखे रहिएगा, ये सन याद रखे रहिएगा, 1921 में इसकी पुनर्व्याख्या की किसने की, अरविंद अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। अच्छा, ये चीज़ तो हम लोग जान लिए हैं, तो एक चीज़ और जाने रहिएगा, इसी में से एक है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन तब तक यहाँ जब चल रहा है ये सब्जेक्ट तो तुलना कर लो। देखो, काम सूत्र में किसको तवज्जो दिया गया, सबसे प्राथमिकता किसको दी गई है, पहली संगीत कला को दी गई है कि नहीं है, संगीत कला को दी गई है और चित्रकला को चौथे नंबर पर रखा है, यानी पक्का है कि इन्होंने कामसूत्र में वात्सायन ने चित्रकला को पहले नंबर पर स्थान नहीं दिया है। लेकिन जब आप विष्णु धर्मोत्तर पुराण पढ़ोगे ना, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को श्रेष्ठ माना गया है, ध्यान रखिएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को श्रेष्ठ माना गया है और काम सूत्र में किसको श्रेष्ठ माना गया है, संगीत को श्रेष्ठ माना गया है। विष्णु काम सूत्र के जो है
रचयिता कौन है? वात्सायन है। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचयिता कौन है? तो मार्कंडे मुनि, याद रखिएगा मार्कंडे मुनि। और कामसूत्र की टीका किसने किस नाम से लिखी गई? जयमंगला से के नाम से लिखी गई। और विष्णु धर्मोत्तर की टीका किस नाम से लिखी गई? तो चित्र सूत्र के नाम से लिखी गई। जयमंगला के रचयिता कौन है? पंडित यशोधर। जयमंगला के रचयिता कौन है? पंडित यशोधर। और चित्र सूत्र के रचयिता कौन है? तो नारायण मुनि। याद रखना विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को श्रेष्ठ माना गया, कामसूत्र में संगीत को श्रेष्ठ माना गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचयिता हैं मार्कंडेय मुनि, और उनकी जो टीका है चित्रसूत्र उसको लिखा है नारायण मुनि ने। दोनों में कन्फ्यूजन मत होने के। और यहाँ पर जो है कामसूत्र के रचयिता ये हैं वात्सायन हैं, और जयमंगला के पंडित यशोधर। तो कन्फ्यूजन मत होने दीजिएगा जो है क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ ले। देखिए इस पर जो क्वेश्चन हम यूथ को सॉल्व कर लेते हैं, यूथ को जो क्वेश्चन आया है तो हम देख लेते हैं। अच्छा ये ध्यान रखिए, अब सारे क्वेश्चनों को लिखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, हम इसी को समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन को आपको पूरा हो जाएगा, पूरा यूथ सॉल्व करा देंगे और शिल्पी अभी सॉल्व हो जाएगा। देखिए सीधा है, अगर यहाँ इस पोर्शन से कैसे प्रश्न बनता है तो ध्यान दीजिए। जैसे पूछा है कामसूत्र के रचयिता कौन है, ये TGT 2013 का था, कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो सीधा आप तुरंत पकड़ लोगे कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्सायन है। मतलब आप जानते चले कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, और प्रश्न के जो है टेक्निक को भी समझने की कोशिश करिएगा। तो फिर देखिए आया है कि वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। अब ये सब प्रश्न आए हुए हैं और फिर दोबारा आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? तो वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कामसूत्र है। फिर देखिए अगला आया था TGT 2010 में, कामसूत्र के रचयिता कौन है? फिर वही पूछ रहा है कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्सायन है। फिर देखिए कामसूत्र में कितनी कलाएं बताई गई हैं, कामसूत्र में कितनी कलाएं बताई गई हैं? तो हमने देखा कि कामसूत्र में कुल कितनी कलाओं का वर्णन है? 64 कलाओं का वर्णन है। बहुत आसान है, आप समझ लेंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए फिर लिखा है कि कामसूत्र में कितनी कलाएं बताई गई हैं, तो टोटल 64 कलाएं बताई गई हैं। फिर देखिए PGT 2010 में आया है कि वात्सायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या क्या है, तो कलाओं की संख्या कितनी है? 64 है। अब देखते जाइएगा तुरंत ये पूरा साल हो जाएगा आपका। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो फिर वही आ रहा है, मतलब घुमा फिरा के इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा रहा है। और इस पोर्शन से, अभी इस पोर्शन में नहीं गए, अभी कामसूत्र से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए किस तरह का। बस ज़्यादा कैसे पूछा, कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्सायन। वात्सायन की रचना कौन सी है? तो कामसूत्र है, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, जयमंगला ने वात्सायन का नाम अपनी जो पंडित यशोधर ने, ये जयमंगला बार बार याद आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो मतलब मत होइएगा दिमाग। चलिए क्या है कि जो पंडित यशोधर ने जो जयमंगला टीका लिखी है ना, तो जयमंगला टीका में वात्सायन को मल्लनाग के नाम से पुकारा है। किस नाम से? मल्लनाग। तो ये ध्यान रखिए, आने वाले आगामी में एग्जाम में कैसे भी प्रश्न बना सकता है, तो हर तरफ से आप तैयार रहिएगा युद्ध करने के लिए, ठीक ना। अब देखिए काम ये हो गया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है PGT 2000 का, कि कामसूत्र की उस टीका के, कामसूत्र की उस टीका के, टीका मतलब जयमंगला, जिसमें षडंग का वर्णन है, जिसमें षडंग का 6 अंगों का वर्णन है, उसके टीकाकार थे। तो तुरंत पकड़ लो उसके टीकाकार कौन थे? पंडित यशोधर। यहाँ से देखिए प्रश्न ऐसे बना, यानी जब षडंग प्रयोग हो जाए प्रश्न में आपके एग्जाम में, तो अगर वहाँ पर चाहे कामसूत्र और जयमंगला दोनों दिया हो, या कामसूत्र की जगह उनके रचयिता वात्सायन दिया हो, और क्या दिए हों? जयमंगला के रचयिता कौन? पंडित यशोधर। तो हम प्राथमिकता जयमंगला या पंडित यशोधर को देंगे। अगर विकल्प में जयमंगला या यशोधर ना हो तब हम कामसूत्र पर जाएंगे, क्योंकि कामसूत्र से जो प्रश्न बन रहे हैं वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि वात्सायन जो है किसकी, वात्सायन ने किसकी रचना की, या कामसूत्र किसकी रचना है,
ऐसे करके प्रश्न पूछ लेगा, या 64 कलाओं का वर्णन, कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है तो 64 कलाओं का वर्णन है, कामसूत्र में कितने अधिकरण, कितने अध्याय, कितने प्रकरण, कितने श्लोक हैं, इससे प्रश्न बन जाएगा, ठीक ना। तो ये ध्यान रखें, कामसूत्र का भाषा कौन सी है तो संस्कृत है, ये प्रश्न बन जाएगा। कामसूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन ने किया, ये प्रश्न बन जाएगा। ये सब प्रश्न विभिन्न आर्ट के एग्जामों में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें डाला है, क्योंकि प्रश्न जो है दोबारा रिपीट होते हैं, तो इससे आप मत चूकिएगा, ठीक ना। अब देखिए अगला प्रश्न ये हो गया। अब देखिए लिखा है काम सूत्र ग्रंथ का, यहां बहुत रुकी ध्यान दीजिएगा, काम सूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है। अब यहां प्रश्न आ गया ना, देखिए काम सूत्र का चित्रण, वो कह रहा है जो काम सूत्र है ना, क्योंकि आप हम लोग सब जानते हैं कि चित्रकला में ग्रंथों का भी चित्रण होता है, पुस्तक शैली जिसे ग्रंथ चित्रण में आ जाएगा, तो काम सूत्र का जो चित्रण हुआ है ना उसको आप जान लीजिएगा जैन शैली में भी चित्रण हुआ है। विकल्प के हिसाब से अगर आपको जैन शैली मिलता है तो जैन शैली में करिएगा। तो काम सूत्र का चित्रण देखिए विकल्प क्या दिया था, पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली और पहाड़ी शैली। इसमें आपको बताना था कि कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ, तो वो आप ध्यान रखिएगा, वो जो शैली है वो कौन सी शैली है, जैन शैली। आप जब पढ़ोगे तो अभी जब आप जैन शैली पढ़ोगे ना, तो जब आनंद कुमार स्वामी 1924 में बर्लिन में जाते हैं, बर्लिन म्यूजियम में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रतियाँ पाते हैं, तो जिसमें कल्पसूत्र भी होती है, फिर बाद में गीत गोविंद, रति रहस, अब यहाँ आ गया रति रहस। तो जो ये रति रहस का जो चित्र है ना, ये जैन शैली में है, और रत रहस मतलब कामदेव से संबंधित है, और कामदेव से संबंधित जो शास्त्र होगा वो क्या था, कामसूत्र था, तो इसलिए कामसूत्र का जो है जैन शैली में हुआ है। देखिए जैन शैली में जब आप पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें डाउट करेंगे, जैसे आपका गीत गोविंद ये भगवान कृष्ण से संबंधित है, प्रेम मार्गी है, तो यहाँ पर ये जयदेव ने, तो गीत गोविंद का भी चित्रण जैन शैली में है। आप दुर्गा सप्तशती आप देखोगे जो नवरात्र के व्रत में मार्कंडे मुनि द्वारा ये लिखी है दुर्गा सप्तशती, तो इसका भी चित्रण जैन शैली में हुआ है। लगेगा थोड़ा सा ये कि वैष्णव धर्म से या शाक्त संप्रदाय से संबंधित है, तो ऐसे प्रश्न डाल देते हैं कि लगेंगे दूसरा लेकिन होगा कुछ दूसरा। तो चाहे गीत गोविंद हो, चाहे आपका रति रहस्य हो, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, ये सब लगेंगे हिंदू धर्म के, लेकिन इनका जैन शैली में चित्रण हुआ है। आपका पढ़ोगे बिल्हड़ की जो चौर पंचासिका है, वो चौर पंचासिका आप देखोगे जब मेवाड़ शैली में जाओगे, तो मेवाड़ शैली का जो उजला रूप, जो राजस्थानी शैली का जो चित्रण जो मेवाड़ शैली में हुआ है, उसका उजला रूप आपका चौर पंचासिका में मिलेगा, यानी वहाँ पर राजस्थान शैली का भी मेवाड़ चौर पंचासिका में चित्रण हुआ है। लेकिन मेवाड़ शैली का जो चौर पंचासिका है उसका सबसे पहले चित्रण जैन शैली में हुआ है। इसलिए प्रश्न आ जाता है कि चौर पंचासिका का चित्रण सबसे पहले किस शैली में हुआ है, तो जैन शैली में हुआ है। ऐसे अगर हम देखेंगे तो कामसूत्र का चित्रण जो है अगर कहाँ पर हुआ है, तो जैन शैली में हुआ है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखे रहिएगा, ये बेहतरीन प्रश्न था। अब देखिए अगला प्रश्न आया था TGT 2000 में कामसूत्र के रचयिता, तो तड़ाक से आप पकड़ लेंगे कि कामसूत्र के रचयिता कौन है, वात्सायन है। फिर देखिए वात्सायन के कामसूत्र में फिर आ रहा है TGT 1999 में कि वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है, तो कितनी कलाओं का उल्लेख है वात्सायन के कामसूत्र में, 64 कलाओं का उल्लेख है। भारतीय चित्रकला के षडंग में, अब देखिए अब बहुत ध्यान दीजिएगा, भारतीय चित्रकला के षडंग, षडंग माने षड माने छः और अंग, छः अंग, तो भारतीय चित्रकला के छः अंग में अनुपात को किस शब्द से प्रभावित जो है परिभाषित किया गया है। तो इस पर हम ये चित्रकला के छः अंगों पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन तब तक के लिए ये जान लीजिए कि चित्रकला के छः अंगों में जो प्रमाण होता है ना, प्रमाण, ये प्रमाण का मतलब क्या है, चित्रकला यानी चित्र की लंबाई चौड़ाई। देखिए जहाँ भी नाप संबंधित आ जाए वो प्रमाण होगा, नाप तौल के नाप के बारे में कि लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए, ठीक ना। तो इसके बारे में जो पूरा ब्यौरा, पूरा चित्र का ब्यौरा जो ले लेना है कि कहाँ पर कैसे कितना लंबाई होना चाहिए, कितना चौड़ाई होना चाहिए, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, तो उसको रखा जाता है प्रमाण में।
तो वही कह रहा अनुपात, अनुपात रेशियो की कौन सी कितने अनुपात में होगी, कितने कैसे होगी, तो ये सब चीज़ें किस में रखी गई हैं, प्रमाण में रखी गई हैं। तो वही प्रश्न कह रहा था कि भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है, तो अनुपात को प्रमाण के नाम से परिभाषित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो जयमंगला से क्या करके पूछता है, देखिए प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वर्ण के लिए तो सीधा शब्द से पकड़ लीजिए, वर्ण के लिए किसका, वर्णिका भंग का प्रयोग हुआ है। वर्ण के लिए देखिए विकल्प में दिया रहेगा लावण योजना है, जो है क्या कह रहा है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो लावण नियोजना विकल्प दिया है, सादृश्य दिया है, वर्णिका भंग दिया है और प्रमाण दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है चित्रकला के छह अंगों में, वर्णिका भंग के लिए भी प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय षडंग यानी छः अंग के रचयिता कौन है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट दीजिएगा, सीधा सा प्रश्न कह रहा कि भारतीय षडंग यानी षडंग माने छः अंग, तो भारतीय छः अंग के रचयिता कौन है। तो ऐसे जब षडंग लग गया ना, तो नो डाउट आँख मूंद करके तुरंत किसको लगाएंगे आप, यशोधर पंडित, पंडित यशोधर है। भारतीय शिल्प षडंग या भारतीय चित्रकला के छः अंग किसके के रचयिता कौन है, तो सीधा हम क्या लगाएंगे, पंडित यशोधर, ये प्रश्न आया। फिर देखिए प्रश्न आया था पीजीटी 2003 में, भारतीय चित्रकला के छः अंगों का विस्तृत विवरण, भारतीय चित्रकला के छः अंगों का, ये जो छः अंग है ना, इनका जो विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है। अब देखिए विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है ना, तो विस्तृत विवरण आपको किस ग्रंथ में मिलेगा, यही पंडित यशोधर द्वारा रचित जयमंगला में भारतीय चित्रकला की जो छः अंग दिए हैं उनका बृहद रूप से विवेचन कौन किया है, पंडित यशोधर ने किया है। और इन चित्रों का जो क्रम है वो भी आप बनाए रखिएगा, ठीक ना, और याद कर लीजिएगा सीधा की रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्र षडंग कम, ठीक ना, तो ये याद रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन अब देख लीजिए, उसमें यूथ में देख लेते हैं, सॉरी शिल्पी में देख लेते हैं, शिल्पी में क्या पूछा गया था, शिल्पी में एक प्रश्न देखिए यही पूछा गया था, टीजीटी 2005 में क्या पूछा गया था कि भारतीय चित्रकला के षडंग में, षडंग में वही आया है, अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया, तो अनुपात को किस शब्द से, प्रमाण, तो प्रमाण माने अनुपात, अनुपात माने लंबाई चौड़ाई उसका नाप सारा ब्यौरा कि चित्र की देखिए प्रमाण की इकाई सिर में हम लेंगे, ताल में आएगा सिर में 12 अंगुल, इसके बारे में हम बाद में विवेचन करेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हम प्रश्न को देख लेते हैं सीधा, तो देखिएगा ये हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि भारतीय वही सब प्रश्न है दोबारा करके आया हुआ है, वात्स्यायन रचित काम शास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है। देखिए सीधा सा लिखा है कि वात्स्यायन रचित काम शास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है, यानी कला के छह अंगों का उल्लेख किसने किया है, ठीक, तो किसने किया है, पंडित यशोधर ने किया है कला के छह अंगों का, ठीक ना, ये देख लीजिएगा। और जो इसका एक प्रश्न आया था देख रहे थे तो उसमें मिल नहीं रहा है, तो सारे प्रश्न ऐसे करके सीधा सा आए हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक प्रश्न देख लीजिएगा ध्यान करके, देखिए लिखा है षडंग का पहला अंग, ये जो चित्रकला की जो छह अंग है रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण योजनम, तो इसमें से कह रहा है कि जो षडंग का पहला अंग कौन है, षडंग का पहला अंग कौन है, तो षडंग का शुरुआत कैसे होती है, रूप भेदा प्रमाणान, तो षडंग का पहला अंग ही क्या है, रूप भेद, षडंग का पहला अंग क्या है, रूप भेद। देखिए प्रश्न आया ना, क्रम से पूछ रहा है। अब यहाँ जब आप षडंग पढ़िएगा, चित्रकला के छह अंग पढ़िएगा, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या होगा कि उनके क्रम याद रखिएगा, जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रम में पूछने का चांस बनेगा। तो भारतीय फिर देखिए षडंग किससे संबंधित है,
यानी पूछ रहा है जो ये षडंग है, ये छह अंग है, किससे संबंधित है, किसके बारे में? चित्रकला के बारे में बता रहे हैं कि मूर्त कला के बारे में बता रहे हैं कि स्थापत्य कला के बारे में बता रहे हैं? तो सीधा सा हम जानते हैं कि ये किसके बारे में, चित्रकला के बारे में बता रहे हैं। तो षडंग का संबंध किससे हो जाएगा? चित्रकला से हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, षडंग का संबंध किससे हो जाएगा? चित्रकला से। सब वही प्रश्न है। और एक चीज जो पूछा गया था इसमें, चलिए और इन सब सारे चित्रों को, प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। आपका यूथ का भी करवा दिए हैं, शिल्पी का भी हो गया है, और आप अन्य जगहों से भी देखिएगा। तो सारे प्रश्न कमोबेश अगर इतना आप तैयार कर लेंगे तो साहित्य में कला का जो ये पोर्शन है, कामसूत्र का, उस पर टीका, जय मंगला का, और जितना हम लोग पढ़ा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उनसे तुलना करके कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को श्रेष्ठ माना गया है, कामसूत्र में किसको, संगीत कला को श्रेष्ठ माना गया है, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के टीकाकार, टीका कौन है, चित्रसूत्र जो है इसकी टीका है, और इसके जो टीकाकार है वो कौन है, नारायण मुनि है। तो ये इस तरह से तुलनात्मक ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, और आप सब लोगों को ढेर सारी क्या कहते हैं आने वाले एग्जाम में शुभकामनाएं भी, आपको क्या कहते हैं ईश्वर की असीम अनुकंपा आप लोगों पर बरसे, आप लोग हो जाए, और मिठाइयाँ खूब खाएं, खूब छेना रसगुल्ला खाएं, उस बार जो मेहनत करके पढ़ेगा ना उसका हो जाएगा बढ़िया बाकायदा, लेकिन समझ के पढ़िएगा भाई, हम तो यही चाहेंगे समझ के पढ़िएगा। और थोड़ा सा बहुत से जगहों पर अब क्या कहें, अब ये सब कहने की योग्य नहीं होगा, तो ठीक है आप लोग पढ़िए मस्त हो, तब तक के लिए जय हिंद।